हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ पनारी वाटरफॉल, जो शक्ति के पास एक छोटा सा बट बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और एंजॉय करिएगा मेरे साथ इस राइड को। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक और मेरे साथ है राइडर लोकेश, तो आज ये भी हमारे साथ जा रहा है। और ये देखिए सामने का व्यू, जो काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। पहाड़ों पे हरे भरे पौधे आपको दिखेंगे चारों तरफ, जिधर आप देखोगे उधर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाइक राइडिंग और ब्यूटीफुल लोकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उल्दा, और जिन लोगों को यहां के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि उल्दा में माँ वैष्णो देवी का एक बहुत ही सुंदर सा टेंपल है। व्यू देखिए फ्रेंड्स, ये ऑसम सा व्यू आपको इसी रोड पर मिलता है। तो इस रूट की खासियत ये है कि इस रूट पे आप जब भी आओगे, खास करके मॉनसून के सीज़न में, तो आपको इसी तरह से हरियाली देखने को मिलती है। और हाईवे है तो रोड आपको बहुत ही सुंदर मिलता है। तो भाई पनारी वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको शक्ति से जस्ट पहले जो बोर्डा है वहाँ से आपको राइट साइड में टर्न लेना होता है। और ये रोड कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, गांव से होकर आपको बेसिकली जाना होता है। और ये वाटर क्रॉसिंग गंदी सी। आदर्श ग्राम पंचायत सकरेली में आपका स्वागत है। सकरेली से 8 किलोमीटर करीब का डिस्टेंस बता रहा है पनारी वाटरफॉल का। लेट्स सी कितना टाइम लगता है पहुंचने में। काफ़ी अच्छा रोड बन गया है यार, इधर गांव के बीच से इतना अच्छा रोड, अनएक्सपेक्टेड था। धीरे धीरे अब गांव भी डेवलप होते जा रहे हैं। अरे यार थोड़ा सा तारीफ करो, और ये खराब रोड चालू, इसीलिए बोलते हैं कि गूगल को सब पता है। क्योंकि जब गूगल में मैंने चेक किया तो 8 किलोमीटर के लिए आधा घंटा लगेगा बता रहा था, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि 8 किलोमीटर को कैसे भी अपन चलाएंगे तो आधा घंटा तो नहीं लगना चाहिए। अरे यार रोड तो अच्छा आ गया। और ये खूबसूरत सा घर गांव के बीचों बीच बहुत कम देखने को मिलता है, बट अच्छा है। और एक और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आने वाले समय में ये भी खूबसूरत सा घर बनेगा।
और ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे लिया है 5 मिनट का सुसु ब्रेक और सामने आप देख सकते हो पूरी हरियाली, धान का फसल लगा हुआ है चारों तरफ। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा रोड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि एक तरफ खाई है और दूसरे तरफ नहर है। तो गलती से, हालांकि यहाँ पे सीमेंट का वॉल बना हुआ है तो उस साइड तो नहीं जा सकते, बट इस साइड उतर सकते हो, तो देख के चलो। बाकी ऑसम व्यू है भाई, मस्त पूल। आज की राइड जो है काफ़ी मज़ेदार हुई, और वो कहावत आपने सुनी होगी कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, जर्नी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। काफ़ी दिलचस्प। और ये पूरा घाट है जो हमें चढ़ना है। सोचा नहीं था यार इतना खूबसूरत जगह में होगा। और ये देख सकते हैं आप पनारी 3 किलोमीटर, और यहाँ पे अब हम रुकने वाले हैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने के लिए। तो हम लोग गलती से आगे निकल गए थे क्योंकि हमको लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं था, बट अभी एक दादा यहाँ से गुजर रहे थे तो वो बताए कि पीछे जो स्कूल छूट गया है वहाँ पे आपको बाइक रख के अराउंड 0.5 किलोमीटर पैदल आपको जाना होता है, तब जाके आप वाटरफॉल तक पहुँच पाते हो। तो जाके देखते हैं। तो भाई पनारी वाटरफॉल पहुंचने के लिए आपको रोड पे बाइक पार्क करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको कच्ची सड़क से ट्रैक करके 1 किलोमीटर अंदर आना होता है, और उसी बीच में आपको ये खूबसूरत सा वाटर क्रॉसिंग मिलता है। तो आप देख सकते हैं तो मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ पे चुपचाप बैठ के इस पानी के आवाज़ को सुन रहा हूँ, और यहाँ से 500 मीटर आगे जाने पे हमको मिल जाएगा पनारी वाटरफॉल। तो एक तरह से आज हमने हर तरह का मज़ा ले लिया, हमने हाईवे में भी राइडिंग की, उसके बाद हम घाट पे भी राइड करते हुए आए, और कुछ दूर हमने ऑफ रोडिंग भी की। तो ये एक तरह से कम्प्लीट पैकेज है राइडर्स के लिए, तो एक बार यहाँ आना तो बनता है बॉस। अगर आप राइडर हो और अच्छे अच्छे लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक बार पनारी वाटरफॉल आइए। और ये सामने रास्ते में ही आपको खूबसूरत सा पहाड़ देखने को मिलेगा,
जिसका स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। भाई साहब, गंदा वाला ट्रैकिंग हो गया आज तो। सोचा नहीं था कि इन रास्तों से आना पड़ेगा पनारी तक। नए लोकेशन में आप जब आते हो तो ये भी एक पॉइंट होता है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार गूगल हमको धोखा दे देता है। तो गूगल मैप के हिसाब से हम लोग आगे चले गए थे लगभग 2 किलोमीटर, और उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि ये हम गलत आ रहे हैं। तो फिर मैंने बाबा से पूछा और वो बताए कि आप लोग आगे आ गए हो, पीछे आपको बाइक पार्क करके अंदर जाना होगा 1 किलोमीटर, तब जाके आप पहुंचोगे पनारी वाटरफॉल। तो भाई गूगल पे ना आँख बंद करके भरोसा मत करना, मैप पे ना कभी भी आप 100% रिलाय नहीं कर सकते। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पनारी वाटरफॉल। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद यहां तक पहुंच पाए हैं, और ये देख सकते हो आप खूबसूरत सा वाटरफॉल। जन्नत है जन्नत, मतलब इतनी शांति है यहाँ पे, हमारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। और जो वाटर फ्लो है वाटरफॉल का, बहुत ही गजब है। तो भाई ये था खूबसूरत सा पनारी वाटरफॉल। शाम हो गया है इस वजह से हम लोग पानी में नहीं उतर रहे हैं, वरना जो हमारा गर्मी में हालत हुआ है तो एक बार डुबकी लगाना तो बनता था। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।